हम समझते हैं कि रजिस्टर इन सिस्टम ऑफ रजिस्टर में सीरीज कनेक्शन क्या होता है पैलल कनेक्शन क्या होता है आप पहले यह समझ चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर्स लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कंडीशन में जुड़े होते हैं लेकिन पैरेलल कंडीशन में रजिस्टर्स अप डाउन फिर अप और फिर डाउन मोड में जुड़े होते हैं मतलब एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं अब पढ़ते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में व्हेन वन एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बाय कंटिन्यूस वायर एट अ पॉइंट एंड अदर एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड एट अदर पॉइंट ऑफ द सेम कंटिन्यूस वायर सच इन अरेन्जमेंट इज कॉल्ड रजिस्टर्स इन पैडल कम्बिनेशन अब ये रजिस्टर है आर वन आर टू और आर थ्री इनके जो वायर्स हैं ये जो वायर्स हैं ये वायर आर टी थ्री का है ये आर टू का है और ये आर वन का है लेकिन इनका जो फर्स्ट पॉइंट है और इनका जो लास्ट पॉइंट है वो एक कंटिन्यूस वायर के साथ जुड़ा हुआ है तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें रजिस्टर्स के फर्स्ट वायर और रजिस्टर्स के लास्ट वायरस जो हैं वो एक ही कंटीन्यूस वायर के साथ जुड़े होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम पैरेलल कंडीशन कहते हैं आप इसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि रजिस्टर्स अप डाउन अप डाउन मोड में जुड़े हुए रहते हैं अब नोट्स के बारे में पढ़ते हैं हेयर पोटेंशियल डिफरेंस पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है मतलब ये वोल्टेज जो यहाँ पे दिख रहा है ये सेम वोल्टेज इन सभी के बराबर जा रहा होगा जैसे वी वी और वी सब में सेम वोल्टेज जा रहा होगा द करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर्स लेकिन अगर करंट को देखा जाए तो यहाँ पे हमारा टोटल करंट है आई बट यहाँ पे आने के बाद आई वन ऊपर आई थ्रू आई बीच में और I3 नीचे ये बदल जा रहा है इसका अर्थ ये है कि टोटल करंट I जो होगा वो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री के बराबर होगा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा ये हमें आगे बहुत काम आएगा नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ओम्स लॉ की सहायता से इस तीनों रजिस्टर्स को निकाल के अगर हमें सिंगल रजिस्टर लगाना हो इस सर्किट के अंदर जिसमें वोल्टेज का कोई डिफरेंस ना हो तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम ओम्स लॉ की सहायता लेंगे ओम्स लो ने हमें बताया है कि वी इक्वल टू आई आर मीन्स आई जो होता है वी ओपन आर के बराबर होता है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो सबसे ऊपर वाली कंडीशन को देखते हैं वी आई आर आई वन आर वन के बराबर होगा तो आई वन जो होगा वी ओ पर वन होगा वी आई टू आर टू के बराबर होगा तो आई टू जो होगा वी ओ आर टू के बराबर होगा वी आई थ्री आर थ्री के बराबर होगा थर्ड कंडीशन में देखिए आई थ्री और आर थ्री तो आई थ्री जो होगा वी ओ आर थ्री के बराबर होगा इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे पास लिख रखा है i इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ये हमने अभी पढ़ा था तो i1, i2 और i3 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे स्टडी करी है इसको हम आगे इसके अंदर पुट कर देते हैं v ओ पोन आर वी ओ पोन आर वन वी ओ आर टू वी ओ आर थ्री अब यहाँ पे क्या करते हैं v अपॉन आर इस तरफ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में इन सभी में से v कॉमन है v को बाहर निकाल लेंगे वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री विद इन ब्रैकेट्स में आ जाएगा उसके बाद v को हम कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम है तो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसका अर्थ ये है कि रजिस्टर्स अगर पैरेलल में हों यानी वन अपॉन आर पी आर पी का मतलब है रजिस्टर्स इन पैरेलल तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री को अगर हम सॉल्व करेंगे तो रजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए हमें सिंगल रजिस्टर मिल जाएगा इन तीनों को हटा के ज्वाइन करने के लिए